आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। बहती है अमन की गंगा तो मेरे देश में बहने दो, बहती है अमन की गंगा तो मेरे देश में बहने दो, मत करो दंगा मेरे देश में अमन शांति रहने दो, मत लड़ाओ हमें हरे और भगवे कलर में, मेरे छत पर भी एक तिरंगा रहने दो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम सब एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं। इसलिए हमारा काम और हमारा फ़र्ज ये बनता है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को न जाने किसकी नज़र लग गई कि हम अपने ही मुल्क में रहकर अपनों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। कभी धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा है, कभी नारेबाजी के नाम पर जुल्म हो रहा है, और हमने इंसानों की जानों को इतना सस्ता कर दिया कि जानवर को मारते समय हम डरते हैं कि कई जानवर को मारेंगे तो उसकी बदवा हमें ना मिल जाए। बट आज शर्म की बात है कि इस मुल्क में जानवरों से भी ज़्यादा जुल्म जो है इंसानों पे हो रहा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी नारेबाजी के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी लौ जिहाद के नाम पर, कभी आतंकवादी के नाम पर, गर्ज के अलग अलग कसम के साथ साथ जो है जुल्म और ज़्यादती बढ़ती जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले तबरेज़ अंसारी नामी एक मुस्लिम नौजवान के साथ जो ज़्यादती हुई वो पूरे मुल्क के सामने है, और मुख्तलिफ शहरों से सिटियों से तबरेज़ अंसारी को इंसाफ दिलाऊं की रैलियाँ निकल रही हैं। कुछ नौजवानों ने मिलकर उस नौजवान को पकड़ा और उस पर अपने धर्म का नारा थोपने लगे और उस पर ज़्यादती करने लगे। जब उसने नारा लगाने से इनकार कर दिया तो उसे इतना मारा, इतनी बेदर्दी से मारा कि वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उस पर रहम और दया ना की और वही चीखते चीखते वो मर गया। कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में कब तक ये हालात होते रहेंगे। मैं अपने मुल्क की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो इस मुल्क को अमन, क्योंकि आपने नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, कैसे ये वोट खाने के लिए था, क्या वोटिंग कमाने के लिए थी, क्या सरकार बनाने के लिए थी? आपने जब सरकार बनाई है तो आपका काम बनता है कि आप सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसके मुताबिक इस मुल्क में रहने वालों को सबको बराबरी का हक दिलाया जाए। और ये जो लोग दहशतगर्दी के नाम पे और आतंकवादी के नाम पे ये जो भगवा आतंकवाद को लेके घूम रहे हैं, इन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया, हिंदू धर्म को पूरा का पूरा बदनाम कर दिया, और नारेबाजी के नाम पर धर्म की आड़ में ये जिस तरीके के आतंकवादी फैला रहे हैं, मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए, वरना कि वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग धर्म के नाम पर इस मुल्क को आग लगा देंगे और दंगे फसाद करेंगे। क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। तबरेज़ अंसारी से हम हमदर्दी करते हैं, और जितने भी ऐसे हमारे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, वो चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी है, अगर वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, हमारा काम बनता है उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, किसी के धर्म को गाली ना दें और किसी के धर्म को हम चेतावनी ना दें। और अपने धर्म का नारा किसी दूसरे धर्म वाले पे लगाकर उस पर जुल्म करना, ये कौन से धर्म की तालीमात है? मुझे बताएं, हिंदू धर्म में ये सब चीज़ सिखाई जाती हैं, ना इस्लाम धर्म में ये सब चीज़ सिखाई जाती थी। ये लोग कौन हैं? तो ये लोग आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। मैं चाहूँगा कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाए, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा, और हम वतन हिंदुस्तान में रहते हैं, अमन अमान कायम करते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम तो सभी से प्यार करते हैं, और उठाए जो गलत नज़र अपने देश हिंदुस्तान पर, मिलकर इसकी हिफाजत के लिए हम जान कुर्बान करते हैं। मेरी गुजारिश है तमाम हिंदुस्तान वासियों से, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि आप लोग अपने शहर में, अपने मुल्क में अमन को बरकरार रखें, और धर्म के आधार पर या नारेबाजी के नाम पर किसी पर जुल्म और ज़्यादती करना, ये कोई देशभक्ति या धर्म भक्ति नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं चाहूँगा हम अपने मुल्क में अमन को बरकरार रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का सम्मान करें, ताकि हम अपने मुल्क को और एक तरक्की की तरफ बढ़ा सकें। मैं अपने देश की हुकूमत, जिसने इलेक्शन आने से पहले एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग इस नारे का ख्याल रखें, और मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं जो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, और जानों की जो है हिफाजत करें, क्योंकि बड़े हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज तबरेज़ अंसारी मरा है, कल कोई और धर्म का मरेगा, तो फिर कब तक हम अपने मुल्क के अंदर ये दंगा फसाद आतंकवादी माहौल को बनाते रहेंगे? मेरी गुजारिश है कि तबरेज़ अंसारी के जो जिन्होंने उस पर जुल्म किया, ज़्यादती किए, उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और आइंदा कोई ऐसा गलत काम हमारे मुल्क में ना हो, इसके लिए कुछ मजबूत इकदाम उठाए जाए, ताकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान अमन और शांति से रहे। एक शेर है, बहती है अमन की गंगा मेरे देश में बहने दो, बहती है अमन की गंगा मेरे देश में बहने दो, मत करो दंगा मेरे देश में शांति रहने दो, मत लड़ाओ हमें और हरे और भगवे कलर में, मेरे छत पर भी एक तिरंगा रहने दो। हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक दूसरे का एहतराम करें, सम्मान करें। इस बात को मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि बिल्कुल मोहब्बत से रहिए, प्रेम प्यार से रहिए, और